मूवी की शुरुआत में हम एडन को देखते हैं जो अपने कॉलेज जा रहा होता है। वो दरअसल एक फिलोसफी का स्टूडेंट है। अब क्लास में उसके प्रोफेसर सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होता है और हमारा इस पृथ्वी पर होने का क्या उद्देश्य है, जो दरअसल आप सभी का लास्ट असाइनमेंट है और इसी के जवाब से आपके आगे का भविष्य जुड़ा है, इसलिए सोच समझ कर आप अपना जवाब लिखिएगा। अब कॉलेज खत्म होने के बाद एडन जब वापस घर जाने के लिए अपने साइकिल के पास आता है, तब वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो बिल्कुल उसकी तरह ही होता है और वो हूबहू उसके जैसे कपड़े भी पहना होता है। वो लड़का एडन से कहता है कि हेडस्केप मॉडल मत जाना और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल मोटल एक तरह का होटल होता है जो नॉर्मली हाईवे पर बना होता है ताकि उस रास्ते से कार से जाने वाले लोग वहां पर आराम कर सके। अब इसके बाद एडन उसका पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन अब तक वो वहां से जा चुका होता है। घर पहुंचने पर एडन अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है लेकिन उन्हें लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है। इसके बाद फिर एडन अपनी दादी के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि क्या हमारे परिवार में ऐसा कोई था जिसको मेंटल प्रॉब्लम थी। इस पर उसकी दादी कहती है कि ऐसा तो कोई भी नहीं था लेकिन कुछ लोगों को डायबिटीज और कैंसर जरूर था। इसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड यानी कि एडन के दादाजी के बारे में बताते हुए कहती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस करती है। केवल एक गोल्फ बॉल की वजह से उनकी मौत हो गई थी। काश वो गोल्फ बॉल को लेने के लिए पानी में नहीं उतरते तो उनकी पानी में डूबने से जान नहीं जाती। पर इसी दौरान एडन को एक कॉल आता है जिसमें कोई उसका मिडल नाम पूछ रहा होता है। एडन फिर मिडल नाम को बताकर फोन काट देता है। अब ये फोन एडन को किसने किया था ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं नॉर्मली इंसान को जो काम करने के लिए कोई मना करता है वो काम वो जरूर करता है और एडन भी ऐसा ही करता है। वो अपने हमशक्ल के मना करने के बाद भी वो उस मोटल में पहुंच जाता है जहां मोटल में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेन भी मिलती है जो वहां पर रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, जो एडन को इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद एडन लॉरेन से पूछता है कि क्या वो कभी यहाँ पर पहले भी आया है या उससे मिलती जुलती शक्ल वाला यहाँ पर आ चुका है। पर लॉरेन को उसकी बातों पर कुछ समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसा पूछ रहा है और तभी वहाँ पर मोटल का मैनेजर भी आ जाता है जिसकी वजह से एडन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब लॉरेन बाहर आती है तो एडन उसे लेकर एक होटल में जाता है और यहाँ पर वो उसे मॉर्निंग की उस घटना को बता देता है। लॉरेन को पर उसकी बातें बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि आज तक उसने कभी भी एडन के हमशक्ल को नहीं देखा था और अगर कोई है भी तो वो उसे मोटल जाने से मना क्यों करेगा। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। अब ये सामान किस वजह से गिरा था ये भी हमें आगे पता चलेगा। अब होटल से वापस आने के बाद एडन लॉरेन को लिव देने की बात करता है जिसके बाद जब वो दोनों रास्ते से आ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी का दुर्घटना हो जाता है और उस दुर्घटना में लॉरेन की मौत हो जाती है लेकिन एडन भागे से बच जाता है जिसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इसके बाद फिर वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो एडन से कहते हैं कि तुम्हारा वकील तुम्हें 3 दिन बाद मिलेगा इसलिए तब तक तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलना है और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। दरअसल एडन पर लॉरेन की फैमिली ने उसकी हत्या का आरोप लगाया हुआ होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि एडन ने जानबूझकर दुर्घटना करवाया। अब इसी दौरान हॉस्पिटल में एडन को एक पेशेंट मिलता है और जब पेशेंट एडन से हेडस्केप मॉडल जाने के लिए कहता है तब वो उसकी बात को सुनकर चौंक जाता है। यहाँ पर वो पेशेंट कहता है कि मॉडल में रूम नंबर 41 के बाथरूम में जाओ, बाथरूम के फर्श के नीचे तुम्हें एक होल मिलेगा और बस तुम्हें उस होल के अंदर चले जाना है। अगले सीन में फिर हम लोग देखते हैं कि एडन हॉस्पिटल के साफ से छिपते हुए वहां से निकल जाता है। मोटल जाने पर वहां के एक रूम को रेंट पर लेता है और अब आधी रात में वो चुपके से मोटल के रूम नंबर 41 में चला जाता है। उसके रूम के बाथरूम में जाने के बाद वो होल की तलाश करता है कि तभी उसे वहां पर फर्श के नीचे एक बड़ा सा होल नजर आता है जिसमें वो बिना कुछ सोचे समझे प्रवेश कर जाता है और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल आता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अब इसके कुछ देर बाद जब वो मोटल से निकलता है तो वो अपने सामने एक दूसरे एडन और लॉरेन को देखता है। दरअसल वो होल एक ब्लैक होल होता है जिसके जरिए वो टाइम ट्रेवल करके अपने भूतकाल में आ गया होता है। वो दरअसल 12 घंटे पीछे आ गया है और अब हम इस नए वाले एडन को एडन 1 कहेंगे ताकि हमें आगे कन्फ्यूजन ना हो।
अब एडन एडन वन और लॉरेन वन का पीछा करते हुए होटल पहुंच जाता है। होटल में उसे उसके प्रोफेसर भी मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि आज उनके रूम पर कुछ प्रोफेसर आएंगे जो साइंस से रिलेटेड इश्यूज पर बातें करेंगे। एडन पर उनकी बातों को अनसुना करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है वो एक वेटर से टकरा जाता है जिसकी वजह से कुछ ग्लास टूट कर गिर जाती है, जिससे एडन वन और लॉरेन का ध्यान भी उस आवाज की तरफ जाता है। और इस तरह हमें समझ आता है कि शुरुआत में जो किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी वो भूतकाल के एडन के वजह से ही आई थी। अब इसके बाद लॉरेन वन जब एडन वन से उसकी दादी के बारे में पूछती है तब वो कहता है कि वो ठीक है और वो तुम्हें बहुत मिस करती है। होटल से निकलने के बाद एडन वन लॉरेन वन से लिफ्ट देने के लिए कहता है। और अब जब एडन वन और लॉरेन वन कार से जा रहे होते हैं कि तब एडन उन्हें दुर्घटना से बचाने के लिए रोड के बीचों बीच आ जाता है, लेकिन लॉरेन वन जैसे ही किसी को रोड के बीचों बीच देखती है तो वो तुरंत कार को मोड़ने की कोशिश करती है जिससे कार एकदम डिसबैलेंस हो जाता है और उनका कार दुर्घटना हो जाता है। यानी कि कार के दुर्घटना की असली वजह एडन खुद ही है, जो देखकर एडन एकदम शॉक हो जाता है। इसके बाद फिर एडन फिर से मोटल के रूम नंबर 41 में जाता है और यहाँ पर वो उस हॉस्पिटल वाले पेशेंट को देखता है। वो देखता है कि इस पेशेंट ने तो अपने दोनों कलाई को काट लिया है, इस वजह से वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। यानी कि ये पेशेंट हॉस्पिटल में इसकी वजह से ही एडमिट हुआ था। अब कॉल करने के बाद वो फिर से हॉल में जाता है ताकि वो फिर से पास में जा सके। अब पास में जाने के बाद वो अपने घर जाकर अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता है और कहता है कि कुछ घंटों बाद उसका और लॉरेन का दुर्घटना होगा जिसकी वजह भी वो खुद ही होगा और इस दुर्घटना में लॉरेन की मौत हो जाएगी। लेकिन उन्हें एडन की बातों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं होता। अब अपने बात को प्रूव करने के लिए वो अपने आप को कॉल लगाने के लिए कहता है और जब उसके दोस्त उसे कॉल करते हैं तब कॉल इसे नहीं बल्कि एक दूसरे एडन को लगता है जो अपनी दादी के साथ में हॉस्पिटल में था। अब ये पता करने के लिए कि इसका जवाब एडन ही दे रहा है वो उसे उसका मिडल नेम पूछता है जिससे वो बता देता है। यानी कि हम लोगों ने जब वीडियो की शुरुआत में एडन को किसी को अपना मिडल नेम बताते हुए सुना था तब वो कॉल एडन ने ही अपने दोस्त से करवाया होता है, लेकिन इसके बाद भी एडन के दोस्तों को लगता है कि वो अब भी उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, इस वजह से वो उसकी बात को नहीं मानते। अब रात के समय पर एडन फिर से दुर्घटना को रोकने के लिए जाता है, लेकिन फिर उसे वहाँ पर एडन वन मिलता है जो दुर्घटना को रोकने के लिए रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब यहाँ पर हम इसे एडन वन इसलिए कहेंगे क्योंकि एडन वन और लॉरेन वन की दुर्घटना के बाद ये भी हॉस्पिटल गया होगा और वहाँ पर इसे भी मोटल के होल के बारे में पता चला होगा और फिर उसके बाद ये भी भूतकाल में जाकर उस दुर्घटना को रोकने के लिए रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब ये देखकर एडन तुरंत एडन वन को रोड से धक्का दे देता है और उसे एक पंच कर देता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है, पर पंच का दर्द दोनों को होता है और तभी फिर से दुर्घटना हो जाता है। पर हमें इस दुर्घटना की वजह नहीं पता चलती, लेकिन शायद जिस तरह से एडन वन को पंच का दर्द महसूस हुआ था तो शायद पंच का दर्द एडन टू को भी हुआ होगा जिसके कारण ही गाड़ी इम्बैलेंस हुई होगी और इसी कारण से ये दुर्घटना भी हुई, या शायद कोई और ही एडन के बीच खड़ा हो गया था जिसके बारे में मूवी में क्लियरली बताया नहीं गया है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ समझा होगा तो अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। अब मूवी प्लॉट की तरफ लौटने पर दुर्घटना के बाद एडन लॉरेन 2 को लेकर उसी हॉल में जाता है, लेकिन हॉल से केवल एडन ही बाहर आता है और लॉरेन की बॉडी होल में डिसअपियर हो जाती है। शायद डेड बॉडीज टाइम ट्रैवल में काम नहीं कर सकती है। इसके बाद फिर एडन अपने प्रोफेसर के घर जाता है क्योंकि होटल में जब प्रोफेसर ने उसे अपने घर पर साइंस डिस्कशन के बारे में बताया था तब उसने सुन लिया था। अब डिस्कशन में वो उन लोगों से कहता है कि वो एक टाइम ट्रैवल से रिलेटेड नॉवेल लिख रहा है और इसमें जो लड़का है वो एक ब्लैक होल के जरिए अपने पास में ट्रैवल करता है जहां वो एक दुर्घटना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दुर्घटना होने से नहीं रोक पाता। इस पर फिर एक प्रोफेसर उससे कहते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी के अनुसार अगर हम टाइम ट्रैवल करते हैं तो हम लोग सेम स्पेस में किसी दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं और हम जितनी बार टाइम ट्रैवल करते हैं उतने ही टाइमलाइन बनते जाते हैं और हर टाइमलाइन में हमारा एक वर्जन पहले से ही मौजूद होता है। हम दरअसल अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने दूसरे वर्जन को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके उसके भविष्य को बदल सकते हैं। अब ये सुनकर वो समझ जाता है कि अब तक उसके साथ जो भी हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में हो चुका है और इस समय वो पास के एक पैरेलल यूनिवर्स टाइमलाइन में है, क्योंकि ब्लैक होल से केवल पास में ही जाया जा सकता है। और स्कूल में जब उसे उसका वर्जन आकर उसे मॉर्टल जाने से मना करता है तो दरअसल वो प्रेजेंट से आकर उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था
ताकि वो दुर्घटना को होने से रोक सके। इसके बाद फिर प्रोफेसर उसे कहते हैं कि नॉवेल के लड़के को अगर अपने वर्जन के भविष्य को बदलना है तो उसे सबसे पहले अपने से जुड़ी किसी खास चीज को, जो उसके साथ हमेशा जुड़ी हुई हो, उसको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके बदलना होगा, तब शायद हो सकता है कि वो अपने वर्जन को बदल ले। अब प्रोफेसर से मिलने के बाद जब एडन एक शॉप में जाता है तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर से उसे मारते भी है, क्योंकि उन्होंने उसे हॉस्पिटल से बाहर निकलने से मना किया होता है। अब वैसे इस टाइमलाइन में जो एडन हॉस्पिटल से भागा होता है वो ये नहीं होता, और अब जब वो ऑफिसर उससे लॉरेन को मारने की वजह पूछते हैं तब एडन उनसे कहता है कि वो तो लॉरेन को बचाना चाहता है। इसके बाद वो टाइम ट्रेवल करने की बात को ऑफिसर को बता देता है और कहता है कि इस टाइम में मेरे जैसे बहुत से लोग और घूम रहे हैं, पर इस पर ऑफिसर कहता है कि अगर तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो तो पास में जाकर अपने आप को हमारे कस्टडी से बचा क्यों नहीं लेते। तभी फिर वहाँ पर सायरन बजने लगता है और सायरन सुनकर एडन कहता है कि एडवाइस देने के लिए शुक्रिया, यानी कि किसी दूसरे टाइमलाइन के एडन ने पुलिस के एडवाइस को फॉलो करके उसे बचाने के लिए आया होता है। इस वजह से पुलिस एडन को एक क्रिमिनल के साथ पिलर में बांध देती है, और तभी एडन को एक डस्टबिन के नीचे से एक हैक्सॉ मिल जाता है जिसकी मदद से वो अपने आप को वहां से छुड़ा लेता है। पुलिस अब उसका पीछा करती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। वो अब कैसे तो पुलिस से बचते हुए एडन एक रूम में घुस जाता है जहाँ रूम में उसे एक और हैक्सो मिलता है जिसकी मदद से वो अपने बाकी के हथकड़ी को काटकर अपने हाथ से निकाल लेता है। इसके बाद वो कुछ सोचकर हैक्सो को लेकर अपने पास में जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर वो हैक्सो को डस्टबिन के नीचे छिपा देता है, यानी कि जिस हैक्सो की मदद से वो पुलिस की कस्टडी से भागा था वो उसने खुद ही वहां पर रखा था। इसके बाद वो ओलंपिया होटल जाता है और यहाँ पर उसे हॉस्पिटल वाला पेशेंट एक सूट बूट में मिलता है, पर पेशेंट उसे अभी पहचानता नहीं है। और उसे देखकर जब एडन पेशेंट से पूछता है कि वो लिविंग के लिए क्या करता है तब वो कहता है कि वो एक वकील है। अब ये सुनकर एडन समझ जाता है कि ये पास में जाकर अपने किसी वर्जन को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हुआ है और इसी वजह से उसके इस वर्जन का भविष्य बदल गया, यानी कि वो अपने भी वर्जन का भविष्य बदल सकता है। इसके बाद वो अपनी दादी से मिलने के लिए जाता है जहाँ उसकी दादी अब भी अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी, जहाँ वो अब भी सोच रही होती है कि काश वो गोल्ड बॉल लेने के लिए पानी में नहीं उतरते तो शायद आज वो जिंदा रहते। अब अपनी दादी से मिलने के बाद वो अपने दादाजी के कब्र पर जाता है और फिर अपने पुराने घर पर भी जाता है, जिसके बाद वो सीधे मोटल जाता है ताकि वो पास में जा सके। अब पास में वापस आने पर रूम में उसे वो पेशेंट दिखाई देता है और तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर भी आ जाता है, इस वजह से वो दोनों होटल के बाथरूम में छिप जाते हैं। यहाँ पर फिर एडन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बेस्ट वर्जन को देखा है, वही क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये तुमने कैसे किया। इस पर वो पेशेंट कहता है कि मैंने बस सही समय पर उसके को इन्फ्लुएंस कर दिया, पर वहीं अब मैनेजर बाथरूम के दरवाजे को भी नॉक करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों होल में चले जाते हैं, जिसके बाद फिर एडन बाहर आता है। अब प्रोफेसर और पेशेंट की बातों को समझने के बाद वो समझ गया था कि उसे पास में जाकर अपनी लाइफ से जुड़ी किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना है। वैसे जस्ट टू आइडिया देने के लिए वो अभी भी पीछे के समय में है क्योंकि वो होल से सिर्फ 12 घंटे ही पीछे जा सकता है, लेकिन उसे जिस चीज को इन्फ्लुएंस करना था वो थे उसके दादाजी, यानी कि वो अपने दादी को इनडायरेक्टली फिर से बचाना चाह रहा था। इस वजह से वो कई बार होल से अंदर बाहर होता है और बीच बीच में वो अपने और लॉरेन के साथ बिताए गए खूबसूरत यादों को भी देखने के लिए जाता है, और देखते ही देखते इस तरह से वो हजारों बार होल से अंदर बाहर होने के बाद वो अपने दादाजी के समय में पहुंच जाता है। वो फिर उनसे सिटी में जाने के लिए लिफ्ट मांगता है, जिसके बाद उसके दादाजी उसे अपने घर लाते हैं और यहाँ पर वो अपनी दादी जी को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद वो दोनों सिटी के लिए निकल जाते हैं और सिटी में पहुंचने के बाद एडन अपने दादाजी को कुछ गिफ्ट देता है और कहता है कि इस तोहफे को कल ही खोलिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अब अगले दिन जब उसके दादाजी गोल्फ खेल रहे होते हैं कि तभी उनका गोल्फ पानी में चला जाता है, और अब जब वो गोल्फ बॉल को लेने के लिए पानी के अंदर जाने के लिए अपने पैंट को उतारते हैं कि तभी उन्हें उनकी जेब में कुछ महसूस होता है, और जब वो अपनी जेब को चेक करते हैं तो इसमें एडन द्वारा दिया हुआ वही तोहफा होता है, और ये तोहफा होता है एक गोल्फ बॉल, जिसे देखकर वो पानी में जाने का प्लान बदल देते हैं और इस तरह से उनकी जान बच जाती है। इसके बाद फिर हम अगले सीन में एडन की दादी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके बगल में उनका हस्बैंड यानी कि एडन के दादाजी भी होते हैं
जिसका मतलब ये कि एडन उन्हें इन्फ्लुएंस करने में पूरी तरह से कामयाब हुआ। इसके कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि वो होटल का मैनेजर और कोई नहीं बल्कि एडन का ओल्ड वर्जन है, और इसी ने ही अपने दादाजी को इन्फ्लुएंस किया था, क्योंकि टाइम ट्रैवल के जरिए वो केवल पीछे ही जा सकते हैं। इसी वजह से एडन अपने दादाजी को इन्फ्लुएंस करने के बाद अपनी आगे की जिंदगी को उसी टाइमलाइन में गुजारना पड़ता है, और वहीं आगे चलकर मोटल का मैनेजर भी बनता है। अब इसके बाद ओल्ड एडन इस टाइमलाइन की यंग एडन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे हेच के मोटल जरूर जाना चाहिए, जिसकी बातों से अब वो इन्फ्लुएंस होकर यंग एडन मोटल में लॉरेन से मिलता है और वापस जाते समय उसके साथ उसके घर पैदल जाने के लिए कहता है, जिसकी वजह से अब इस टाइमलाइन में उनका दुर्घटना नहीं होता, और ये देखकर ओल्ड एडन बहुत ही खुश हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। वैसे दोस्तों, इस मूवी की हैप्पी एंडिंग केवल इसी टाइमलाइन में होती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में एडन ने अपने दादाजी को इन्फ्लुएंस किया था, लेकिन बाकी के टाइमलाइन में दुर्घटना जरूर होता है, और उस दुर्घटना में लॉरेन की मौत भी होती है, जो थियरी मेरी माननी है। वहीं अगर आपकी कुछ और थियरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।